हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज। यह सेट बी का अभ्यास 7 है एंड यह 17वां वीडियो है। दोस्तों, इस तरह के 16 से 17 सेट हैं, सभी सेट में 10 से 12 अभ्यास हैं। 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन का सीरीज है। डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, अपना स्कोर चेक कीजिए। एंड यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे PTGT हो, PGT हो, UPLT ग्रेड हो, MPTET हो, अदर स्टेट के TGT PGT हो, सभी का तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे टॉपिक वाइज थ्योरी सेशन पूरा दिया गया है एंड फिर उसका चैप्टर वाइज MCQ, वन लाइनर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी सेट दिए गए हैं। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सभी चीज़ों का आप अध्ययन कर सकते हैं। समय नष्ट न करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और आप अपना नॉलेज चेक कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, जर्मनी में टर्न वेरियन आंदोलन किसने आरंभ किया? तो दोस्तों, जर्मनी में टर्न वेरियन आंदोलन आरंभ किया फ्रेडरिक लुडविक जान ने। ये इन्होंने जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखा था और ये जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए अग्रणी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 सिडनी ओलंपिक खेलों का प्रतीक था? तो यहाँ पे सही आंसर है बूम टेंग। दोस्तों, आई डोंट नो ये किस प्रतीक की बात कर रहा है। प्रतीक तो आपका होता है ओलंपिक छल्लो मोटो का संयुक्त रूप, जो ओलंपिक झंडे पर बना होता है। ओलंपिक छल्ले नीला पीला काला हरा लाल, और जो मोटो होता है CTS RTS FORTS ओलंपिक झंडा, ये सब मिला करके ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह कहलाता है। और शुभंकर की बात करें 2000 सिडनी ओलंपिक की, तो यहाँ पे ओली शायद मिली तीन विचित्र एवं दुर्लभ जीव चीज थे। जैसे कि शुभंकर की शुरुआत 1968 मैक्सिको सिटी से शुरुआत हो गया था अनधिकारिक तौर से, और आधिकारिक तौर से 1972 म्यूनिक पश्चिमी जर्मनी से शुभंकर की शुरुआत हुआ था। तो 1968 मैक्सिको सिटी का शुभंकर था, यानी मस्कर था पालोमा कबूतर, और 1972 म्यूनिख पश्चिमी जर्मनी का वाल्दी एक शिकारी कुत्ता। और आपको ध्यान देना है 2020 टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर था वो था मिराई तुआ। मिराई तुआ जो है एक जापानी में कहावत था, इसका अर्थ होता है प्रेरित एक व्यक्तित्व है जो अतीत से सीखो और नए विचारों को विकसित करो। ये मिराई तुआ का अर्थ होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किस देश में शारीरिक शिक्षा को स्वर्ण युग के रूप में महसूस किया गया? तो दोस्तों, प्राचीन ग्रीस में के एथेंस में, यानी कि उत्तर एथेंस काल जो था उसको स्वर्ण युग कहा जाता था। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन प्रत्येक देश में ओलंपिक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करती है? तो दोस्तों, यह होता है NOC या नेशनल ओलंपिक कमेटी। जैसे कि प्रत्येक देश का एक नेशनल ओलंपिक कमेटी होता है जो ओलंपिक खेलों का संगठन अपने अपने देश में करती है। जैसे भारत में भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA है, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1927 में हुआ था, और वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके IOA के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं PT उषा, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है IOC की, IOA की, ठीक है। IOC तो आपका विश्व लेवल पर हो जाएगा, ठीक है, जो पूरे विश्व में इसका संचालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक सिंबल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो दोस्तों, ओलंपिक सिंबल यानी ओलंपिक प्रतीक क्या है?
यानी ओलंपिक झंडे की जो रूपरेखा किसे तैयार की थी, तो बैरन पियर डी कुबार्डी, जिसे आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहा जाता है। इन्होंने ओलंपिक ध्वज को 1913 में बनाया और सबसे पहले फहराया गया 1920 एंटवर्प ओलंपिक बेल्जियम में। इसके ऊपर 5 छल्ले नीला पीला काला हरा लाल होता है, जिसे 5 छल्लों को प्रतीक चिन्ह के रूप में स्थायी रूप से मान्यता मिली 1924 पेरिस फ्रांस में। एन ओलंपिक मोटो आदर्श वाक है सीटीएस एलटीएस फोर्टीएस, जिसका अर्थ है और तेज और ऊंचा और बलशाली, यानी फास्टर हायर स्ट्रांगर। चौथा आपका मोटो जुड़ गया है कम्युनेटर। कम्युनेटर का अर्थ होता है टुगेदर, यानी एक साथ चलना। नेक्स्ट, ओलंपिक मशाल की अवधारणा किसने दिया था? तो दोस्तों, ओलंपिक मशाल की अवधारणा दिया था कार्ल डाइम ने। ओलंपिक मशाल जो है प्रथम बार आधिकारिक तौर पर 1936 बर्लिन ओलंपिक में मशाल को ओलंपिया से लेकर सभी महाद्वीपों से होते हुए ओलंपिक के आयोजन स्थल पर लाकर ज्वाला प्रज्वलित किया गया, शुरुआत किया गया। लेकिन आपसे पूछेगा कि पहली बार किसी महिला द्वारा ज्वाला कब प्रज्वलित किया गया? तो 1968 मैक्सिको सिटी में पहली बार नेमी एनरिक्वेटा बासिलो सोटेलो, जो मैक्सिको की महिला थी, ने मशाल से ज्वाला प्रज्वलित किया। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण हुआ? तो दोस्तों, यह हुआ 1936 बर्लिन ओलंपिक में, 1936 बर्लिन ओलंपिक में। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में महिला प्रतिभागी औपचारिक रूप से शामिल किए। तो दोस्तों, जैसा कि ओलंपिक में महिलाओं ने सर्वप्रथम भाग लिया 1900 पेरिस फ्रांस में, बट यहाँ पे क्या पूछा है कि ओलंपिक खेलों में महिला प्रतिभागी औपचारिक रूप से शामिल किए, तो यहाँ पे आंसर दिया है स्टॉकहोम 1912। मैं श्योर नहीं हूँ, बट इसका आंसर आप खोजिएगा कि राइट है या रॉन्ग है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कंकाली पेशी को अस्थि से संलग्न करता है? तो दोस्तों, जैसा कि मैं कई बार बताई हूँ, जो टेंडन है वो कंकाल पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, एंड जो लिगामेंट है वह अस्थियों को अस्थियों से जोड़ों पर जोड़ता है। तो यहाँ पे बोला है कंकाल पेशियों को अस्थि से कौन जोड़ता है, तो यहाँ पे टेंडन जोड़ेगा। यहाँ पे न तो स्नायु रहेगा, न एक्टिन रहेगा, न मायोसिन। एक्टिन मायोसिन जो है कंकाली पेशी की कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट होते हैं, तंतु होते हैं। एक्टिन और मायोसिन तंतुओं से मिलकर बना होता है, जिससे इसमें संकुचन और प्रसारण होता है। लेकिन यहाँ आपके पूछा है कि कंकाल पेशियों को अस्थि से कौन संलग्न करता है, जोड़ता कौन है, तो टेंडन जोड़ता है। जहाँ भी आपको टेंडन दिखे, यानी एचिलिस टेंडन, ठीक है, सीधे टेंडन होगा, बट यहाँ पे एचिलिस टेंडन आपको फंसाया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप टेंडन आंसर जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आंसर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट, स्नायु जोड़ती है, स्नायु यानी लिगामेंट जोड़ती है। लिगामेंट किसको जोड़ती है? लिगामेंट जो है अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। नेक्स्ट है, शरीर की कौन सी पेशी फेंकने वाले पेशी है? तो दोस्तों, शरीर की कौन सी पेशी फेंकने वाले हैं? तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर है, पेक्टोरलिस मेजर पेशी जो हमारे वक्ष पे होती है, या थ्रोइंग मसल्स है, यानी ये फेंकने के काम आती है कोई भी चीज़, पेक्टोरलिस मेजर। इसमें से आपका जो क्वाड्रिसेप्स है, यह आपका चार पेशियों से मिलकर बना होता है, और यह घुटने को प्रसार करने, फैलाने और हिप को मोड़ने में काम आता है। और दोस्तों, यहाँ पे जो रेक्टस एब्डोमिनस है, यह हमारे पेट की सीधी पेशी है, पेट के बीच की, और घुटने के पीछे की पेशी जो है आपका गैस्ट्रोनिमियस होता है।
नेक्स्ट है, कोशिका का श्वसन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो दोस्तों कोशिकीय श्वसन संपन्न होता है माइटोकांड्रिया में। तो यहाँ पे आपका केंद्रक हो जाएगा, क्योंकि कोई ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मास्टर ग्लैंड है? तो दोस्तों प्रमुख ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड कहलाता है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रण करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है, रक्त का ऑक्सीकरण किसमें होता है? तो दोस्तों रक्त का जो ऑक्सीकरण है वह फेफड़ों में होता है, जैसे कि हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त, बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है। दो अलिंद दो निलय चार कक्ष में बटा होता है, ऊपर के दो कक्ष अलिंद होता है, नीचे के दो कक्ष निलय होता है। जब निलय से अलिंद से निलय में आता है अशुद्ध रक्त, दाएं अलिंद से दाएं निलय में, तो दाएं निलय से पल्मोनरी धमनी जो है वो ले जाता है अशुद्ध रक्तों को फेफड़ों में, और फेफड़ों से ऑक्सीकृत होकर शुद्ध होकर फिर वह पल्मोनरी सीरा के द्वारा बाएं अलिंद में भेजा जाता है, फिर बाएं अलिंद से बाएं निलय में भेजा जाता है, फिर बाएं निलय से शुद्ध रक्त को एरोटा यानी कि महाधमनी के द्वारा समस्त शरीर के में के भागों में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है, ग्लूटियस मैक्सिमस पेशी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह पेशी नितंब यानी हिप में स्थित है। जैसा कि ग्लूटियस मैक्सिमस पेशी जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी पेशी है, और सबसे लंबी पेशी की बात करेगा तो सार्टोरियस, सबसे छोटी पेशी की बात करेगा तो कान का स्टेपीडियस, एंड सबसे मजबूत पेशी की बात करेगा तो निचला जबड़ा का मसेटर मसल्स। जैसा कि दोस्तों और पेशियां हैं जैसे कि बॉक्सर मसल्स आपका बोला जाता है सेरेटस एंटेरियर मसल्स को, रोइंग मसल्स बोला जाता है लैटिमस डॉर्सी को, एंड स्विमर मसल्स बोला जाता है डेल्टॉइड एंड लैटिमस डॉर्सी, थ्रोइंग मसल्स पेक्टोरलिस मेजर, टेलर मसल्स सार्टोरियस जिसे सर्टन का अर्थ टेलर मसल्स भी उसको बोला जाता है सार्टोरियस को, एंड मलखम राइडर मसल्स बोला जाता है एडक्टर मंगस जो घुटने के नीचे होता है आपका, लिफ्टर मसल्स होता है डेल्टॉयड, कॉफ मसल्स गैस्ट्रोनिमियस को बोला जाता है। नेक्स्ट है, कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाला होता है? तो दोस्तों केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस जो होता है वो कोशिकाओं के समस्त कोशिकाओं के भागों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, किस चीज को फेंकने में कलाई के आकुंचन में कौन सी पेशी सम्मिलित नहीं है? किसी चीज को फेंकने में कलाई के आकुंचन में कौन सी पेशी सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे आपको ये देखना है। तो यहाँ पे कार्पल यानी कि फ्लेक्सर कार्पी रेडियल्स, तो यानी कि कार्पस और रेडियल्स जो मसल्स होती है यहाँ पे कलाई पे आकर के जुड़ती हैं, और फ्लेक्सर डिजिटोरम ये भी सम्मिलित है, बट आपका टेरेस मेजर सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, स्कंधीय मेखला का अग्र झुकाव क्या कहलाता है? तो हमारा जो स्कंधीय मेखला है कंधे का भाग है पीछे वाला, ये अग्र की तरफ झुक जाता है, और जो हमारा पीठ होता है ऊपरी पीठ वो पीछे की तरफ उठ जाता है, इस पोस्चर डिफॉर्मिटीज को बोला जाता है काइफोसिस, जिसको हंचबैक भी बोला जाता है, राउंड शोल्डर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा दाब परिचालक की विधि है? इसमें कौन सा दाब परिचालक की विधि है? तो यह है गूथना। नेक्स्ट है, एक बाहरी बल से आंशिक सहायता यानी कि पार्शियल असिस्टेंस फॉर्म एंड आउटसाइड फोर्स को यह भी कहते हैं, तो इसको बोला जाता है
एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, यानी ARON, एरोम, ठीक है। एक बाहरी बल से आंशिक सहायता को हम बोलते हैं पार्टियल असिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड फोर्स को एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, एरोम बोला जाता है। नेक्स्ट है, जो रोगी सक्रिय रूप से व्यायाम नहीं कर सकते उनके लिए सुझाए गए व्यायाम हैं, तो वो है पेसिव रेंज ऑफ मोशन, प्रोम। जो रोगी सक्रिय रूप से व्यायाम नहीं कर सकते उनके लिए सुझाए गए व्यायाम क्या है? पेसिव रेंज ऑफ मोशन, प्रोम, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, दुर्बल मांसपेशियों वाले रोगियों के लिए और संधि पीड़ा के कारण सीमित संचलन की स्थिति के लिए व्यायाम है। तो दोस्तों, इसके लिए व्यायाम है एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन, AAROM, ठीक है। नेक्स्ट है, शिरोबंध के तल पर संधियों का संचरण लेकिन तल से दूर गमन को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है अपावर्तन, यानी कि एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है, यदि कोई अपने पैरों को सीधा करता है तो उसे कौन सी गति कहते हैं? तो दोस्तों, उसको हम, एक होता है फ्लेक्शन, एक होता है एक्सटेंशन, तो उसको हम एक्सटेंशन मूवमेंट कहेंगे, यानी कि विस्तारण। अगर घुटनों को मोड़ेंगे तो उसको क्या कहलाएगा? फ्लेक्शन, यानी आकुंचन कहलाएगा वो। नेक्स्ट है, शारीरिक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? तो शारीरिक मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान का शारीरिक पहलू का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है, प्रेरणात्मक मनोविज्ञान निम्न में से किसका विशेष अध्ययन करता है? तो दोस्तों, प्रेरणात्मक मनोविज्ञान जो है वह प्रेरणा का मुख्य रूप से अध्ययन करता है, मोटिवेशन का। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किस प्रणाली से व्यवहार का अध्ययन करता है? तो दोस्तों, प्रयोग हमेशा निरीक्षण और प्रयोग करके किया जाता है, तो निरीक्षण और प्रयोग यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, A और B दोनों। नेक्स्ट है, असामान्य मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? तो दोस्तों, असामान्य मनोविज्ञान जो है वह असामान्य व्यवहार का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है, किशोर मनोविज्ञान निम्न में से किसका अध्ययन करता है? तो दोस्तों, किशोर मनोविज्ञान किशोरों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है, मानव वैभिन्न का मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? तो मानव वैभिन्न, यानी सभी प्राणी अपने में यूनिक हैं, सभी में भिन्नताएं हैं, इसका अध्ययन मनोविज्ञान करता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत। नेक्स्ट है, विकासात्मक मनोविज्ञान निम्न में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? तो दोस्तों, विकासात्मक मनोविज्ञान में हम बालक, किशोर, अप्रौढ़, इन सभी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, तो उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान निम्न में से किसका व्यवहार का अध्ययन करता है? तो दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बालक के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, टिचनर की कार्नेल प्रयोगशाला में हुए प्रयोगों से चिंतन के निम्नलिखित रूपों में से किसका समर्थन हुआ? तो इनका प्रतिमा सहित चिंतन, प्रतिमा सहित चिंतन यानी कि मेंटली थिंकिंग को प्रोत्साहन मिला टिचनर की कार्नेल प्रयोगशाला में हुए प्रयोगों में चिंतन के, प्रतिमा सहित चिंतन को समर्थन मिला। नेक्स्ट है, अपनी दो कन्याओं पर प्रयोग करके निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिमाहीन चिंतन का समर्थन किया? तो वो आपका किए
एल्फ्रेड बिने ने, जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि के बारे में बताया था, बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किया एल्फ्रेड बिने ने। इन्होंने अपने दो कन्याओं पर प्रयोग करके मनोवैज्ञानिक चिंतन का समर्थन किया। नेक्स्ट है ओर्जबर्ग संप्रदाय में चिंतन पर पहले प्रयोग निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुलपे ने। ओर्जबर्ग संप्रदाय में चिंतन पर पहले प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किए, तो कुलपे ने। नेक्स्ट है ओर्जबर्ग संप्रदाय ने निम्नलिखित में से किस प्रणाली में चिंतन को प्रतिमाहीन माना है, तो इन्होंने अंतर्दर्शन को प्रतिमाहीन माना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक संप्रदाय चिंतन को संकलित कर प्रक्रिया मानता है, तो चिंतन को संकलित प्रक्रिया कौन मानता है, ओर्जबर्ग संप्रदाय मानता है। नेक्स्ट है निम्न में से किन मनोवैज्ञानिकों के प्रयोगों से चिंतन में बिंब का महत्व स्पष्ट होता है, तो किसमें होता है, ओंट के प्रयोगों से। ठीक है, ओंट, विलियम ओंट जो मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है उनको, उन्होंने मनोवैज्ञानिकों के प्रयोगों से चिंतन में बिंब का महत्व स्पष्ट किया है, उनके मनोवैज्ञानिक चिंतन से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक संप्रदाय प्रतिमाहीन चिंतन की पुष्टि करता है, तो वो है ओर्जबर्ग संप्रदाय। नेक्स्ट है कलरीपायट्टू किस राज्य से संबंध रखता है, तो यह केरल से संबंध रखता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो दोस्तों आईओसी के प्रथम अध्यक्ष थे डिमाइट्रस विकुलस, और वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। आईओसी की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी में बैरन पियर डी कुबर्टे के द्वारा किया गया आधुनिक ओलंपिक को शुरुआत करने के लिए। नेक्स्ट है बोलने में असमर्थ अनेबल टू स्पीक को क्या कहलाते हैं, तो इनको बोलने में असमर्थ कौन होता है दोस्तों, पूर्व बाल्यावस्था की चाइल्ड यानी कि बाल्यावस्था, की प्यूबर्टी यानी कि जो पूर्व किशोरावस्था होता है, कि इन्फेंटी यानी कि शैशवावस्था, तो शैशवावस्था में जो है वो बोलने में असमर्थ होता है बच्चा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम अवधिकालीनता यानी पीरियडाइजेशन प्रक्रिया की खोज किसने विकसित किया, तो सबसे पहले पीरियडाइजेशन की खोज को विकसित किया हैंस सेलिस ने। किसने, हैंस सेलिस ने। पीरियडाइजेशन के बारे में भी विस्तृत जानकारी के लिए पीरियडाइजेशन यानी अवधिकालीनता वाले वीडियोज को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जर्मनी के किस खेल विद्वान ने पिलेटस एक्सरसाइज को विकसित किया, तो वो हैं जोसेफ, जिन्होंने जर्मनी के खेल विद्वान थे, इन्होंने पिलेटस एक्सरसाइज को विकसित किया। नेक्स्ट है ओमेगा नामक चर्चित कंपनी का संबंध किस देश से है, तो इसका संबंध है स्विट्जरलैंड से। ओमेगा नामक चर्चित कंपनी का संबंध किससे है, स्विट्जरलैंड से। नेक्स्ट है विचलन की मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय किसे माना जाता है, तो प्रमाप विचलन को, स्टैंडर्ड डिविएशन को। वहीं पे पूछेगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में सबसे विश्वसनीय किसे माना जाता है, तो माध्य को। नेक्स्ट है आइसोकाइनेटिक विधि किस विद्वान ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, तो इसको खोजा था जेम्स पेरिन ने 1968 में, और यह मशीनों के द्वारा प्रयोग किया जाता है अक्सर पानी वाले गेमों में जैसे कि रोइंग, तैराकी इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ऐसा अभ्यास जिसमें हृदय गति लगभग अधिकतम
175 से 180 प्रति मिनट। पहुंच जाए और उस दौरान VO2 मैक्स 90 से 100% हो तो अभ्यास की चाल को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे क्रिटिकल स्पीड, यानी कि ऐसा अभ्यास जिसमें हमारा हार्ट रेट जो है 175 से 180 तक पहुंच जाए और उस दौरान VO2 मैक्स 90 से 100% हो जाए तो अभ्यास की चाल को हम क्या कहेंगे? तो इस अभ्यास की चाल को हम कहेंगे क्रिटिकल स्पीड। नेक्स्ट है, आधुनिक विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो आधुनिक विज्ञान का पितामह गैलीलियो को कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, नाइट का संबंध किस खेल से है? नाइट मतलब होता है यहाँ पे घोड़ा, इसका संबंध होता है शतरंज यानी चेस से। नाइट हो गया रानी यानी क्वीन हो गया, बिशप यानी कि ऊंट हो गया, हाथी यानी रूह यानी हाथी हो गया, प्यादा हो गया, इस सब का प्रयोग होता है आपका नाइट में, शतरंज में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे इस सेशन में, इस वाले पार्ट, आज के पार्ट में क्वेश्चन बहुत अलग टाइप का था, शायद आपको थोड़ा बोरियत महसूस हुआ होगा, बट आपके लिए इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। और इसी प्रकार हर सेट में आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे, हर सेट को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी एग्जाम में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, सभी डाउट, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए, कोई कमी हो तो बताइए, सभी चीज़ों को मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।